हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शबी हसन और आप देख रहे हैं माफा हर्बल यूट्यूब चैनल की नई पेशकश। और आज का टॉपिक है घुटनों के दर्द के बारे में, लेकिन ये पार्ट थर्ड है। इसके बारे में हम आपको कुछ नई डिफरेंट टाइप की जानकारी देना चाह रहे हैं कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो क्विक रिस्पॉन्स कैसे पाए, जैसे दर्द हो रहा है उसी वक्त आपको आराम कैसे मिले, बगैर कोई दर्द की दवा खाए, बगैर कोई लोशन लगाए आपको दर्द में क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी टॉपिक पे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसकी बारीकी समझाएंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देते हैं आपको छोटी सी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है घुटनों के दर्द के बारे में क्विक रिस्पॉन्स कैसे पाएं। जी हाँ, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे और इस जानकारी से आपके घर के किसी भी फैमिली मेम्बर को घुटने में दर्द हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप तो दवा खा चुके हैं, या आपने सुबह दवा खाई है लेकिन दो घंटे के बाद दर्द हो रहा है, या आपको रात में दर्द हो रहा है वो किसी टाइम भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बगैर कोई दवा लगाए, बगैर कोई लोशन लगाए, बगैर कोई दर्द की टेबलेट खाए, क्योंकि जेड खाते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मुझे अगर नींद नहीं आ रही है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है तो उसके लिए हम क्विक रिस्पॉन्स कैसे ले सकते हैं। तो जी हाँ, इसी टॉपिक पे हम आपको बता रहे हैं कि, और इसको बहुत ही ध्यान से आप सुनिए कि क्विक रिस्पॉन्स, क्विक मीन्स आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्स उसमें दर्द में आराम कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, लेकिन क्या है कि भाई आपके या जो भी इस वीडियो को देख रहा है शायद उसके घर में ये चीज़ ना हो, तो इसके लिए आपको जो है कोई भी जो आप बाल में कंघा करते हैं, जो भी बाल में आप कंघी करते वक्त एक तरफ दाना होता है, एक तरफ उसका सादा प्लेन वाला भाग होता है, तो उस प्लेन वाले भाग का ही इस्तेमाल करना है। अब आप सोचेंगे कि ये कंघी का और घुटने के दर्द से क्या लेना देना है। जी हाँ, बहुत तगड़ा और बहुत ज़बरदस्त इसका लेना देना है और आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो कंघे का इस्तेमाल जिधर दाना है उधर नहीं, उसके दूसरी साइड का इस्तेमाल आपको करना है। वो इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में मैंने पूरा अपने ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस ब्लॉग पे जाएंगे आप तो आपको ये नॉलेज आपको डीपली मिलेगी और वहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, वीडियो भी वहाँ पे अपलोड है उसको भी आप देख सकते हैं। तो ब्लॉग से भी आप मेरे रिस्पॉन्स उठा सकते हैं, लेकिन अगर ब्लॉग पे आप नहीं दे सकते टाइम, आप वीडियो ही देख कर सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा सिखाऊँगा। तो आपको कंघा ले लेना है उसका उल्टा वाला भाग, और एक कोई भी तेल ले लीजिए, जैसे कि आप कड़वा तेल हो गया, नूरानी तेल हो गया, या वगैरह वगैरह कोई भी आप तेल ले लीजिए, जो आपको इस तरीके का तेल ना लीजिए जैसे कि नुकसान हो, पेट्रोल है, मट्टी तेल है, इस तरह का इस्तेमाल कभी ना करिए। हाँ, मट्टी तेल की बात आई तो बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं कि गठिया में घुटनों में मट्टी तेल की मालिश कर लेते हैं। अगर आपने मट्टी तेल की मालिश कर ली अपने घुटनों में तो यानी कि आपको ज़िंदगी भर दवा खानी है और आपका घुटना दवा से तो नहीं ठीक होगा, इंजेक्शन से तो नहीं ठीक होगा, वो ठीक ही नहीं होगा और दवाएं उस पर काम नहीं करती, और होम्योपैथ दवाएं तो एकदम से काम नहीं करती। तो मट्टी तेल की बात आई तो मैंने इस बात को आपको बताते चला। मैं बात कर रहा था घुटनों में कंघी का क्या रोल है और इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो आप कोई भी तेल ले लेना है, और जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास जो है एक ग्वासा बोर्ड है, इससे एक थेरेपी टाइप की होती है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इसके बारे में, ये इंटरनेशनल थेरेपी है। तो देखिए, अब ये तो मेरे पास बोर्ड है लेकिन सबके पास तो ये चीज़ तो नहीं होगा ना, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कंघी वाले उल्टे वाले भाग में जिस तरफ आपका चिकनापन आपको दिखता है, ऐसे चिकनेपन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है मैं भी वो करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक नॉर्मली, ये तो ग्वासा ऑयल है, काफ़ी कॉस्टली है, तो करीबन 650-700 के आसपास 50 ml का ऑयल मिलता है ये,
लेकिन आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करिए, नो डाउट आपको रिस्पांस होगा और क्विक रिस्पांस होगा। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा घुटने का भाग है, तो होता क्या है, ये मेरा ज्वाइंट से मैं अपने घुटने के बारे में दिखा के बात नहीं कर सकता आपको क्योंकि कैमरे का एंगल चेंज हो जाएगा। तो ये जैसे मान लीजिए आपका घुटना है, तो ये जो ऊपर से नसें आ रही हैं इसी के जरिए से सनेबल फ्रूड और चिकना पदार्थ हमारी बॉडी के इस घुटने वाले ज्वाइंट्स में पहुंचता है। तो ये ज्वाइंट्स में पहुंचता तो है लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता दवाएँ खाने के बावजूद भी, तो इसमें क्या होता है जो नसें होती हैं उसको हमें खोलना पड़ता है। तो खोलने के लिए कोई नट बुट का इस्तेमाल नहीं, आपको इस तेल का इस्तेमाल करना है। आपको ऐसे से तेल को इसको लगा लेना है। अब इसको तेल को लगाने के बाद आप जो है इसको तेल को फैला लीजिए अपने पूरे उस भाग में, घुटने के पूरे भाग में। अब आपको क्या करना है कि कमर के ऊपरी वाले हिस्से में, कमर के ऊपरी वाले हिस्से में जैसे कि आपका ये भाग है, तो आपको इसे 45 डिग्री से पकड़ना है और इसको इस तरीके से पकड़ करके इसको ऐसे खींचना है, धीरे 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 मालिश करना है घुटने के ऊपर। करीबन 1-1.5 बालिश ऊपर आपको ये तेल लगा करके घुटने के नीचे तक पूरी ऐसे से करके उल्टे कंघे से आपको मालिश करना है। मालिश मतलब नीचे खींचना है। तो पेशेंट को हल्का फुल्का उस वक्त दर्द भी हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं ना। यदि आपके इस पॉइंट्स में आपको कहीं भी आपको इस पॉइंट्स में रेडपन आ जाए, लाल काला नीला पीला कोई भी निशान पड़ जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं ना। आप सिर्फ कड़वा तेल और लहसुन को जला करके 3 दिन मालिश करेंगे सुबह शाम, सारे स्पॉट्स सारे खत्म हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से पूरी मालिश कर लेना है। तो जब आप मालिश करेंगे और नीचे लेकर के आएंगे तो इस तरीके से आपका कंघे का इस्तेमाल हो जाएगा। और कंघे का इस्तेमाल आप ऐसा ना करिए कि कट जाए, नॉर्मली धीरे धीरे करिए। और कंघा हो सके तो मोटे दल का लीजिए जो पीछे गोल हो, तो उसको आपको खींचना है। तो वो जो नसों पे खींचेंगे तो नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन माय डियर बढ़ेगा तो वो गठिये के रिस्पांस में क्विक रिस्पांस होगा, वो तुरंत रिस्पांस होगा। और अगर आपको यकीन नहीं ना ये वीडियो मेरी देखने पर, तो आप जो है अपना ये ट्रीटमेंट खुद घर पर आजमाइए और आपको ये क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हेल्थ वेल्थ और टेक्नोलॉजी और हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको, और अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स मिला हो तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर बनता है उसे कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।